हेलो गाइस, वेलकम टू किंडर क्लासेस। आज अपन मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 करते हैं, जो 2.1 तक कंप्लीट किया था, 2.2 देखते हैं। ठीक है, 2.2 में क्या है। ओके, तो सबसे पहले मेन बात, 2.2 जो टॉपिक बेस है बेटा, कोफैक्टर में डिपेंड करता है, कोफैक्टर एंड माइनर, और दूसरी बात इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल देके कोफैक्टर क्या है वो मालूम कर लेंगे। ओके, तो स्टेट बोर्ड का बेटा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला बिट क्या करना है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन मैट्रिसेस। ठीक है, कोफैक्टर निकालना है अपन को। ओके, कोफैक्टर करना है, तो क्वेश्चन दिया अपन को, पहला क्वेश्चन बेटा फर्स्ट बिट में -1, 2 और उसके बाद दिया है -3 और 4। यहां पे देख लो बेटा, कोफैक्टर मतलब क्या होता है वो भी देखना, उसके साथ साथ कि टॉपिक भी क्लियर करो, एग्जांपल भी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कोफैक्टर करना है आपको। कोफैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना बेटा, यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर मैं दो भी बता देता, सिंपल सी बात। स्मॉल A11 मतलब ये देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात -1 है ये वाला। ओके, A12 मतलब आपको +2 है। ठीक है, A13 मतलब -3 है, अच्छे से देख लेना। ओके, और A21 सॉरी, और उसके बाद A22 मतलब जो है अपने पास 4 है। ये सबकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे कोफैक्टर एंड माइनर, अपन को खाली माइनर का बोला, यहाँ पे मैं माइनर भी निकाल के बता देता, माइनर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे माइनर कैसे निकालेंगे, मतलब M11 इसके अपोजिट में क्या बेटा, सीधी सी बात, M11 मतलब माइनर। ठीक है, उसके अपोजिट में क्या बेटा, 4 है, 4 लिख देने का। ओके, उसके साथ साथ M12 मतलब देख लेना सिंपल सा, इसके अपोजिट में क्या बेटा, M12 के अपोजिट में 2 के अपोजिट में -3, सिंपल सा हो जाता। उसके बाद M21 क्या बेटा, M21 के अपोजिट में क्या लिखेगा, M2 के अपोजिट में क्या है, +2 है, तो +2 लिख देना बेटा इसके अपोजिट में। ठीक है, और उसके बाद M22 मतलब सेकेंड बार, इसके अपोजिट में क्या बेटा, 4 के अपोजिट में -1, दिस इज योर माइनर, ये अपना माइनर हो गया। ठीक है, माइनर अपन को निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में, बट आपको मैं माइनर के बारे में बता रहा कि माइनर और कोफैक्टर दो भी बता रहा। तो आपने क्वेश्चन में बोला है कि खाली कोफैक्टर निकालो, तो अपन उसको माइनर भी निकाल दिए, और यहाँ पे देखना अभी मेन बात आती है कोफैक्टर की, ये हो गया माइनर। अभी अपन करते हैं कोफैक्टर कैसे करना है, कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स बेटा, ये जो एक मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, -1, 2, -3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखना चाहिए बेटा कोफैक्टर कैसे किया जाता है। कोफैक्टर देखो, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे कोफैक्टर, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो यहाँ पे देखना है कोफैक्टर -1/(1, 1) है, तो इसलिए 1+1 हो जाता है, क्योंकि 1 लेने मतलब लेना है। इसके लिए इसको अगर आप क्या कर सकते हैं, -1 बोले तो -1 होल स्क्वायर। ओके, और इसके अपोजिट में क्या, A11 के अपोजिट में +4 है बेटा, तो 4 लिख लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो -1 होल स्क्वायर तो प्लस हो जाता बेटा, क्या आएगा, +1 हो जाएगा, इंटू क्या है, 4 है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, +4। उसके बाद सेकेंड देखना बेटा, A12 मतलब देख लेना ये वाला। ओके, A12 में ये फॉर्मूला क्या लेंगे बेटा, देखो A12 मतलब दैट इज ऑड नंबर, सिंपल सी बात है बेटा, जब इवन नंबर आएगा तब साइन पॉजिटिव लेना, जब ऑड नंबर आएगा ऐड करने के बाद तब साइन नेगेटिव लेना। यहाँ पे देख लेना -1/(1, 2), तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा बेटा, -1/(3) आ जाएगा, तो इसके अपोजिट में क्या बेटा, -3 है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, इंटू कितना बेटा, -3, फाइनल आंसर कितना होगा, 3 3 का 1 3 1 3 4 हो जाएगा, साइन विल बी +3, साइन विल बी +3 हो जाए, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, A12 हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अपन निकालते हैं A21 मतलब इसको निकालना है, A21 मतलब ध्यान देना बेटा, A21 की वैल्यू क्या थी, -1/(2+1), इसका भी क्या आएगा आपको, -3 आएगा होल पावर। ओके, अब +3 बोले तो अपन को क्या लिखना है बेटा, इसके अपोजिट में क्या है, जो आप ले रहे हैं इसके अपोजिट में +2 है, या +2 लिखता, -1³ मतलब माइनस होता, -1 × 2 क्या आएगा साइन, आंसर विल बी -2। ठीक है, उसके बाद A22, तो साइन आपको पता है 2 मतलब 4 हो जाता, साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक, -1/(2+2, 4) हो जाता, -1, 4, इसके अपोजिट में क्या बेटा, -1 है, तो आंसर क्या हुआ अपन को, यहाँ पे क्या आ सकता आंसर,
माइनस वन होल स्क्वायर मतलब ये प्लस आ जाएगा बेटा, प्लस वन आएगा इंटू इधर कितना है माइनस वन, आंसर फिर भी माइनस वन। ए टू टू का आंसर कितना है बेटा, ए टू टू का आंसर माइनस वन आ चुका है, और ए टू वन का आंसर आ चुका है माइनस टू, और ए वन टू का आंसर आया है प्लस थ्री, और ए वन वन का आंसर क्या है बेटा फोर आ चुका है। इसी को क्या बोला जाता है को फैक्टर ऑफ, ये कौन सा कौन सी मैट्रिक्स बेटा साइज इसका 2 बाय 2 मैट्रिक्स का को फैक्टर है, ये माइनर है और ये सिंपल सा a1 a2 की वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बता देना, 4 3 माइनस 2 माइनस 1 दिस इज योर को फैक्टर। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत सिंपल है बेटा, मैंने एक्सरसाइज 2.1 का पहले एग्जांपल लेके मैंने को फैक्टर समझाया, को फैक्टर के हिसाब से माइनर भी समझे, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का है बट 3 बाय 3 का है, मैं बता देता हूं 3 बाय 3 का है क्योंकि 3 बाय 3 का आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेना कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, एनी कंफ्यूजन नहीं ना, दिस इज 2 बाय 2 फॉर्म का को फैक्टर, ठीक है। अभी 3 बाय 3 फॉर्म का उसी में सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, फर्स्ट बिट में ही सेकंड क्वेश्चन किया जाता है, देख लेना, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बहुत इजी है और अच्छे से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फर्स्ट बिट में सेकंड क्वेश्चन ये है, तो 3 बाय 3 फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी कोफैक्टर ही निकालना है। क्या करना है कोफैक्टर देख लेना, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 उसके बाद 3 5 और क्या बेटा माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 1 राइट। अब इसका भी क्या करना है बेटा कोफैक्टर करना है 3 बाय 3 का, देख लो मैंने अभी बताया कोफैक्टर कैसे किया था, 3 बाय 3 का कोफैक्टर साइज क्या बेटा इसका 3 बाय 3, ठीक है। तो कैसे साइन कैसे सॉल्व किया जाता है सबसे पहले देखना, यहां पे देखो बेटा सबसे पहले a11 है, a11 मतलब देख लेना क्या लिखना है माइनस 1 होल पावर 1 प्लस 1 ओके, और इसके अपोजिट में क्या है बेटा यहां पे मैट्रिक्स देख लेना 3 5 0 माइनस 1 ओके, कोई कंफ्यूज नहीं होना, बता देता कैसे है। इसके अपोजिट में आपको पता है डिटरमिनेंट जैसे किया था वैसे कर लेना 3 5 0 माइनस 1 ठीक है। अब इसका क्या होगा बेटा साइन देख लेना माइनस 1 होल पावर प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा ये, और इसका क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के तो 3 1 जा माइनस 3 और 0 आंसर क्या बेटा इसका प्लस 1 हो जाएगा और इसका क्या आएगा माइनस 3, तो आंसर फाइनल आंसर कितना आएगा माइनस 3 आ जाएगा। ए 1 1 की वैल्यू कितनी है आपको माइनस 3, अच्छे से देखिए ठीक है। उसके साथ साथ अपन सेकंड वाला निकालते बेटा ए 1 2, ए 1 2 मतलब सेकंड वाला बेटा, इसके अपोजिट में देखना क्या है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 2, अब इसके अपोजिट में क्या देखिए बेटा माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 1, ये लाइन ले लेना है ए और ये, तो ये लेना है अपन को क्या लोगे माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस 1 बराबर। अब इसको कर सकते बेटा माइनस 2 बोले जिसका रहेगा माइनस 2 होल पावर 3 और नंबर है तो माइनस आ जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना होता बेटा प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 10 5 टू 10 माइनस क्यू बोल दो माइनस 1 इंटू 12 आंसर कितना आएगा बेटा माइनस 12 है। किसका आंसर बेटा माइनस 12 ए 1 2 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आंसर माइनस 12 आ चुका है राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट अपन करते हैं ए 1 3, ए 1 3 मतलब आपको पता है आखिरी वाला करना है, इसको इसको भी क्या करेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, इवन नंबर आएगा 4 तो पॉजिटिव होगा साइन, इसके अपोजिट में क्या बेटा देख लेना है यहाँ पे माइनस 2 है और इधर 3 है बेटा और इधर क्या है माइनस 2 और 0, इसका क्या होगा बेटा माइनस 1 होल पावर 4 आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है इवन नंबर है 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 6 कितना होगा बेटा प्लस 1 इंटू 6 आंसर आएगा आपको 6, दैट इज ए 1 3 का आंसर है 6, ए 1 3 का आंसर है 6, एनी कंफ्यूजन नहीं। आगे देखते हैं ए 1 2 सेकंड वाला देखना बेटा, सेकंड रो वाला देखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको पकड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका आपको पता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 ऑड नंबर है, इसके अपोजिट में क्या लिखोगे बेटा ये नहीं लेना है ये और ये ए लेना है, क्या लिखोगे माइनस 1 2 0 माइनस 1 समझ आया बेटा अच्छे से देख लेना ठीक है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 मतलब साइन फिर भी नेगेटिव लगेगा इसका, क्या लगेगा साइन नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो प्लस 1 0 बराबर है तो आंसर क्या आएगा माइनस इंटू प्लस 1 आंसर आएगा आपको माइनस 1 ठीक है। किसकी वैल्यू बेटा आपको ए 2 1 की वैल्यू है
कोई कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से देख लेना, कंफ्यूज हो रहा तो बता दे, राइट। अब आगे देखते बेटा, a22 मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, आपको पता है 2 + 2 4 हो जाता। अब मिडिल में पकड़ लिए तो क्या कह लेना बेटा, 1 2 - 2 - 1 क्या लेंगे, 1 2 - 2 - 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका साइन तो प्लस 1 आ जाता है क्योंकि पावर 4 है, राइट। क्रॉस किए तो कितना आता बेटा, माइनस 1 और प्लस 4, कितना आ गया बेटा आंसर, प्लस 1 इंटू प्लस 3, आंसर विल गेट प्लस 3। तो ए टू टू का आंसर प्लस 3 आ चुका है, ए टू टू का आंसर क्या बेटा, प्लस 3। अभी नेक्स्ट देखते बेटा, ए टू थ्री, नेक्स्ट क्या निकालना है, ए टू थ्री मतलब 5 का निकालना है, ए टू थ्री निकालना है, ठीक है। ए टू थ्री का देखो बेटा, माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 3 मतलब 5, दैट इज ऑड नंबर, इसलिए साइन विल बी नेगेटिव। इसके अपोजिट क्या आ गया बेटा, इसके अपोजिट में क्या आ सकता है बता दो, ये 5 है, इसके अपोजिट में 1 माइनस 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 0। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये तो साइन माइनस 1 हो जाएगा बेटा, इसका 0 माइनस 2 क्योंकि माइनस टू माइनस प्लस अगेन माइनस, तो साइन विल बी गेट प्लस 2 क्योंकि माइनस टू माइनस प्लस 2। तो अपने ए टू थ्री की वैल्यू आ चुकी है प्लस 2 आ चुकी है, क्लियर। उसके बाद ए टू थ्री के बाद क्या करेंगे बेटा, ए थ्री वन कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, ए थ्री वन मतलब आखिरी वाला जो नीचे वाला कॉलम है, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका किसके साथ करेंगे बेटा, इसके साथ करेंगे, ए थ्री वन मतलब साइन विल बी पॉजिटिव क्योंकि इवन नंबर आएगा, 3 प्लस 1 4, ओके। इसके अपोजिट में क्या बेटा, इसको पकड़ेंगे तो क्या लेंगे, माइनस 1 2 3 5 करेंगे, माइनस 1 2 3 5 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके कितना आएगा, माइनस 1 होल पावर तो प्लस 1 हो जाएगा बेटा, माइनस 5 प्लस 3 टू द 6 कितना होगा, माइनस 11 बराबर बेटा, देख लो माइनस 5 3 टू द 6 माइनस 11 आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कर सकते बेटा, ए थ्री टू, ए थ्री टू मतलब साइन विल बी नेगेटिव क्योंकि 3 प्लस 2 5 है, अच्छे से याद रखना। अगर इसको पकड़ेंगे 0 तो क्या लेंगे बेटा, 1 2 माइनस 2 5 1 2 1 और 2 माइनस 2 5 इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, 5 हो गया तो 5 1 5 प्लस 2 2 4 माइनस 9, ओके। अब आखिरी में आया आपको ए थ्री टू का साइन आया है नेगेटिव। अब लास्ट वाला देखते हैं फाइनल आंसर क्या आ सकता, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री मतलब साइन विल बी पॉजिटिव बेटा, माइनस 1 होल पावर 3 प्लस 3 साइन विल बी पॉजिटिव, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा देख लेना अच्छे से, ये लास्ट वाली लाइन को अपन क्या लिख सकते, 1 माइनस 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस 2 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव 1 आ जाएगी बेटा, इसका क्या होगा 3 और माइनस 2 आंसर आएगा प्लस 1 इंटू प्लस 1, तो ए थ्री थ्री की वैल्यू आपको आई बेटा पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। चेक कर लेना आंसर अच्छे से एक बार देख लो बेटा, पहला आंसर है माइनस 3, सेकेंड आंसर है माइनस 12 और थर्ड आंसर है ए 13 का 6 और माइनस 1, ओके। उसके बाद अगेन प्लस 3, ओके। उसके बाद अगेन आंसर आया 2, उसके बाद अगेन आंसर माइनस 11, ओके। उसके बाद अगेन आंसर माइनस 9, उसके बाद अगेन फाइनल आंसर प्लस 5। किसी को डाउट है तो बता देना, बहुत ईजी है। आप यहाँ पे माइनर भी सीधा बता सकते हैं, माइनर क्या आ सकता है, सिंपल सी बात, क्योंकि माइनर बोले तो ये माइनस से पहले जो आंसर आता वही लिखना है, यहाँ पे दिखा देता आपको भी, माइनर बोले तो M11 का आंसर आएगा बेटा पहले माइनस 3, M12 का आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 12 है, M13 का आंसर आएगा आपको प्लस 6 है, M21 का आंसर आएगा आपको माइनस 8 क्योंकि प्लस 1 ऑलरेडी है उसको, M22 का आंसर आएगा आपको प्लस 3, M23 का आंसर आएगा आपको M23 बोले तो माइनस 2 आ जाएगा, और M33 का आंसर आपको आएगा M33 का आंसर आएगा 2 3 2 3 3 1 का, सॉरी 3 1 का आंसर क्या है माइनस 11 क्योंकि इसको माइनस है बेटा, और M32 का आंसर आएगा आपको, M32 मतलब इधर क्या है 5 प्लस 4 9 प्लस 9, और M33 का आंसर आपको आएगा साइन चेंज नहीं करना बेटा, जैसा वो साइन आएगा वही लिखना प्लस माइनस, ये है माइनर है, अच्छे से देख लेना, कोई कंफ्यूज है तो बोल देना या कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत अच्छा टॉपिक है कोफैक्टर, ये आपका फर्स्ट यूनिट है बेटा एक्सरसाइज 2.1 का,
फर्स्ट बिट कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड बिट में कोफैक्टर का फॉलोइंग मैट्रिसेस, खाली फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर करना है, ओनली कोफैक्टर, वो भी सेकंड बिट भी कोफैक्टर है, अच्छे से कर लो। इसमें भी कोफैक्टर बोला था, उसमें भी कोफैक्टर ही, सेकंड बिट भी सेम ही है, सेकंड बिट कर लेना। थर्ड बिट में एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स है बेटा, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, थैंक यू।